हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप सब आप अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। मैं हूं आपकी प्यारी खुशी। आई एम टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड नामा फेरा ग्रैंड मास्टर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फिर से हमारे वीकली होरास्कोप जो आने वाला है 12 से लेके 19 तक। तो 12 से लेके 19 तक 30 वीक कैसा रहेगा आपके लिए लव, हेल्थ एंड आपके करियर रिगार्डिंग। तो चलिए जानते हैं। और जो भी मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा कि जो वीकली होरास्कोप होती है तो आपके ऊपर होती है या नहीं, या फिर आपको पसंद आई है कि नहीं। ये हर किसी को, जैसे बोलते हैं ना कि जनरल रीडिंग्स होती है, हर किसी को रेजुलेटेड नहीं होती है, तो हर किसी को सूटेबल भी नहीं होती है। तो किसी किसी के लाइफ में वो चीज़ें होती है, किसी किसी के लाइफ में नहीं भी हो सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीकली होरास्कोप। तो चलिए जानते हैं कि मेष से लेके मीन राशि तक कैसा रहेगा 30 वीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी अगली राशि जो है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए 30 वीक कैसा रहेगा, तो चलिए जानते हैं कि 30 वीक आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं, क्या रहेगा आपके लिए 30 वीक एंड लव, हेल्थ एंड आपके लिए करियर रिगार्डिंग। तो कैसा रहेगा आपके लिए दिन? तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आपके पैसे जो है, कहीं ना कहीं अटके हुए पैसे जो है आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहाँ से भी चीज़ें आपकी फंसी होगी वो चीज़ें सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। मनी इनकम सोर्स आपकी बढ़ते हुए नज़र आते हुए दिखाई दे रही है। अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जॉब आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आपका प्रमोशन भी 30 वीक होते हुए दिखाई दे रहा है। काफ़ी अच्छी कंडीशन आपकी दिखाई दे रही है, पर कहीं ना कहीं आप सख्त रहेंगे, थोड़े से स्ट्रिक्टली होके काम करेंगे। आपको काम थोड़ा स्ट्रिक्टली होके करना पड़ेगा, सोच समझ के बोलना पड़ेगा, क्योंकि सोच समझ के थोड़ी सी चीज़ें अगर आप करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कहीं ना कहीं ट्रैवल करने का मूड मुझे सिंह राशि वालों के लिए दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा ट्रैवलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर परेशान है। कुछ चीज़ बोलते हैं ना कि जैसे कि आपकी कुछ चीज़ें जो है पकड़ी जाने की, आपको बोलते ना कि चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि कुछ चीज़ जो है आपने जो छुपा के रखी थी वो चीज़ आपके आपके बहुत ही करीबी इंसान को दिस वीक पता चल सकती है, जिस वजह से थोड़े से आपके घर पे या फिर कहीं ना कहीं आप जिसको भी अपना मानते हैं तो उनसे थोड़ी सी अनबन होने की चांसेस दिस वीक में नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लव लाइफ ठीक रहेंगी, लव लाइफ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं दिखाई दे रही, पर लव लाइफ ठीक रहेंगी। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आपको लव लाइफ में थोड़ा सा दिखाई देते हुए दिखाई दे रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बोलते ना कि आपको सामने वाले को बहुत ही ज़्यादा समझाने पड़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा बोलते ना कि सामने वाला पर्सनालिटी जो है काफ़ी ज़्यादा लाउड किस्म की, जो बोलते ना कि जो स्पीकिंग चालू है, जैसे कि आपका पार्टनर काफ़ी अच्छे बोलते ना स्ट्रांग मूवमेंट में है, पर आपकी बोलते ना कि कुछ चीज़ों की वजह से बहुत सारे आपकी लव कम्युनिकेशन दिस वीक मुझे अनबन जो है थोड़ी सी होती हुई दिखाई दे रही है, जिस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है आपके पार्टनर को समझाने के लिए। कुछ चीज़ की वजह से आपकी अनबन होती हुई दिस वीक नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए जान दें कि आपके लिए एंजल्स मैसेज क्या है, एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं सिंह राशि वालों के लिए कि जिस वजह से आपकी जो थोड़ी सी परेशानी जो है वो दूर हो जाए। ये हो गए कार्ड शफल और आपके एनर्जी के अनुसार सिंह राशि वालों के लिए परफेक्ट टाइमिंग है। अगर आपको कुछ भी चीज़ें रिपेयर करनी है तो आप कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी टाइमिंग है जो आपके लिए, आप काफ़ी सारी चीज़ें जो है रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी अगली राशि जो है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए 30 वीक कैसा रहेगा, तो चलिए जानते हैं कि क्या रहेगा आपके लिए 30 वीक कन्या राशि वालों के लिए। तो लव लाइफ आपकी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है 30 वीक में, काफ़ी अच्छी एनर्जी नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर के साथ घूमते जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक काम में अच्छी इंप्रूवमेंट नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। कुछ चीज़ें जो आपने गलती की होगी उसको रिपेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो गलती आपने जो पहले की होगी 30 वीक में आप नहीं करना चाहते, बहुत ज़्यादा सोच समझ के आगे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को जो है समझ रहे हैं, अपने लाइफ को जो है अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी चीज़ें दिखाई दे रही है कन्या राशि वालों के लिए। जो भी चीज़ें आपने बिगाड़ी थी या फिर जो भी चीज़ों में आपने बोलते ना कि बहुत सारी चीज़ें जो आपके हाथ से गलत हो गई थी, तो दिस वीक आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आपने बहुत सारी चीज़ें जो है रिपेयर कर देनी चाहिए। जो आपकी गलती होगी मुझे दोबारा ये गलती नहीं करनी है। मेडिटेशन ज़्यादा करेंगे, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड होने की कंडीशन दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं पार्टी गेट टुगेदर पार्टी में या फिर कहीं ना कहीं फैमिली फंक्शन में बिजी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रैवल ज़्यादा नहीं, पर हाँ कहीं ना कहीं थोड़े से काम से रिगार्डिंग एक दो दिन के लिए जाके आते हुए दिखाई दे रहे, पर ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं दिखाई दे रहे। जॉब के लिए अगर आप बोलेंगे कि मुझे जॉब न्यू या फिर कहीं ना कहीं प्रमोशन, तो प्रमोशन दिस वीक में तो नहीं होते हुए दिखाई दे रहा है।
बट कहीं ना कहीं आप न्यू जॉब की अगर अभी से अप्लीकेशन देते हो तो कहीं ना कहीं लगते हुए कंडीशन दिखाई दे रही, काफ़ी अच्छी कंडीशन दिखाई दे रही, तो आपको कहीं ना कहीं जॉब मिल सकती है। एंड चलिए जानते हैं कि आपके लिए एंजल्स मैसेज क्या है, एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या रहेगा आपके लिए एंजल्स मैसेज, जिस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं ना कि एंजल्स डिवाइन मैसेज से आपको हेल्प मिल जाएंगी, तो क्या कहना चाहते हैं आपके लिए एंजल्स। आप जो भी कर रहे हैं ये आपके फ्यूचर के लिए काफ़ी ज़्यादा ब्राइट रहेगा, जो भी आप चीज़ें अभी करना चाहते हैं, जो भी चीज़ें आप सोच रहे हैं, तो इसके लिए आपके लिए डिवाइन जो है काफ़ी ज़्यादा जो है सपोर्ट कर रही है, क्योंकि आपके नेक्स्ट काम के लिए या फिर नेक्स्ट आपके फ्यूचर के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा कन्या राशि वाले, दिस वीक आपका कैसा रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी अगली राशि जो है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए दिस वीक कैसा रहेगा, तो चलिए जानते हैं कि तुला राशि वाले दिस वीक क्या करेंगे, क्या रहेंगे कंडीशन, क्या कहते हैं लव लाइफ एंड हेल्थ रिगार्डिंग। तो जैसे कि कंडीशन ऐसे दिखाई दे रही है कि काफ़ी सारी चीज़ें आप सोच रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको करनी थी पर नहीं कर पाए, बहुत ज़्यादा आपने मेहनत कर ली, बहुत सारी चीज़ों से आपने लड़ लिया, पर कुछ भी चीज़ों का असर आपके लाइफ में नहीं दिखाई दे रहा, कहीं ना कहीं आप सोशल मीडिया से कनेक्टेड होकर काम करते हुए दिखाई दे रहे, पर कोई ना कोई आपके पास में ही जो एनर्जी जो है आपके लाइफ में, जो भी आपके साथ जो रहता होगा या फिर आपके फैमिली हो या फिर फ्रेंड्स हो, जो भी हो, ये आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक करते हुए दिखाई दे रहे, कहीं ना कहीं आप इनके वजह से पीछे रहते हुए दिखाई दे रहे। आप अपनी बहुत सारी चीज़ें करने से पहले ही सबको बता देते हैं, तो जिस वजह से दिस वीक में भी यही सारी परेशानी हो जाएगी, या फिर आप दिस वीक में ऐसे करिए कि आप अपनी जो भी काम करेगा कि वो चीज़ें अपनी नहीं बतानी किसी और को, जिस वजह से आपकी लाइफ में जो है परेशानी नहीं आएंगी। एंड अगर बात की जाए आपके लव लाइफ की, तो लव लाइफ में काफ़ी अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही, अच्छी कम्युनिकेशन दिखाई दे रही, सोलमेंट या फिर आपके ट्विन फ्लेम आने की कंडीशन दिस वीक में नज़र आती हुई दिखाई दे रहे। एक स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन आपका रहेगा, कहीं ना कहीं अपनी यूनिवर्स में जिस पर्सन की आपने बात की होगी या फिर अपने आपके माइंड में होगा कि मेरे लाइफ में ऐसा इंसान या फिर ऐसे लाइफ में पार्टनर आ जाए जिस वजह से मैं अपने लाइफ में जो है काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ूँ और उनके साथ ही अपनी लाइफ जो है स्टार्ट करूँ। तो ऐसे पर्सनालिटी आपके साथ आने वाली दिखाई दे रही, काफ़ी अच्छी कम्युनिकेशन दिखाई दे रही, डिवाइन एनर्जी से आपने जो ड्रीम्स आपका जो था पार्टनर के लिए, तो आपका वो ड्रीम्स कंप्लीट होते हुए दिखाई देते हुए दिख रहा है। एंड चलिए जानते हैं कि आपके लिए एंजल्स मैसेज क्या है, एंड एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, एंजल्स मैसेज आपके लिए क्या रहेगा दिस वीक में, जो आपके लिए हेल्प करेगा और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो एंजल्स मैसेज यस करके है, जो आप जो अपने ड्रीम्स को लेके जो है वो आपको कंप्लीट हो जाएगा, तो इसमें आपके लिए हाँ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड चलिए जानते हैं काम रिगार्ड, तो पीसफुल एनर्जी आपने रखिएगा, पीसफुल आपकी एनर्जी दिस वीक में रहेगी। मैनिफेस्ट चीज़ें करिएगा या फिर चीज़ें आपने बोलते हैं ना कि मेडिटेशन कीजिएगा, अपने जो भी इच्छा है दिस वीक में मांग भी सकते हैं, जिस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। प्लीज़ तुला राशि वाले मुझे कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर लिख के भेजिएगा कि दिस वीक आपका कैसा रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी अगली राशि जो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले दिस वीक क्या करें, वृश्चिक राशि वालों के लिए दिस वीक क्या रहेगा, चलिए जानते हैं लव लाइफ एंड आपके करियर रिगार्डिंग्स एंड आपके हेल्थ के बारे में। तो कहीं ना कहीं रातों को ना सोना, परेशानी रहना दिस वीक में होती हुई दिखाई दे रही, तो हेल्थ रिगार्डिंग इशू आएंगे, हेडेक्स होना, बॉडी पेन होना, बुखार आना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट फाइनली आप जिस चीज़ के लिए आप कोशिश कर रहे हैं तो प्रमोशन होते हुए दिस वीक में नज़र आते हुए दिखाई दे रहे, काफ़ी अच्छी कंडीशन दिस वीक में नज़र आते हुए दिखाई दे रही, काफ़ी अच्छी कंडीशन रहेगी। बिजनेस रिगार्डिंग भी आपकी काफ़ी अच्छी कंडीशन होती हुई दिखाई दे रही, बिजनेस में भी आप काफ़ी अच्छे तरीके से सक्सेस होते हुए दिखाई दे रहे, सोशल मीडिया पे काम आपका काफ़ी अच्छे से रहेगा, काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ेंगे और काफ़ी अच्छे तरीके से आप स्ट्रांग मूवमेंट्स की तरह काम करते हुए दिखाई देते हुए दे रहे हैं। कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी अगर परचेस कर रहे हो तो दिस वीक में आपकी प्रॉपर्टी परचेस हो सकती है, अच्छी एनर्जी नज़र आती हुई दिखाई दे रही। पर कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि कुछ चीज़ों के लिए जल्दबाजी मत करेगा, जैसे चीज़ें होती है वैसे ही आराम से शांति से रुक के काम करेगा, क्योंकि जल्दबाजी से काम किया हुआ थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। कुछ भी डॉक्यूमेंट्स पे साइन करने से पहले 10 बार सोचिएगा,
एंड कुछ भी डिसीजन लेने से पहले किसी को साथ रख के डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि ये आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप खुद होके काम करते या फिर खुद होके सिग्नेचर या फिर आप जो भी पे करते गूगल पे या फिर नॉर्मली नेट बैंकिंग से, जब भी पे करते तो 10 बार देख के पे करेगा, क्योंकि थोड़े से चांसेस जो है थोड़े से लॉस होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। जल्दबाजी में थोड़े से उल्टे काम होने के चांसेस नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लव लाइफ आपके लिए जानते हैं कि कैसे रहेगी, लव लाइफ में भी थोड़ी सी परेशानी आती हुई दिखाई दे रही, पर कहीं ना कहीं कुछ चीजें जो आपके ठीक हो जाएंगी। अगर आपके पति पत्नी में अनबन है तो दिस वीक में रिपेयर होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। दिस वीक में आप दोनों साथ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। डिवोर्स जो अगर आपका चल रहा होगा तो दिस वीक में डिवोर्स नहीं दिखाई दे रहे कहीं ना कहीं। न्यू लव कम्युनिकेशन तो नहीं नजर आ रही, पर हाँ कहीं ना कहीं कुछ चीजें जो थे ना पार्टनर के लिए लव लाइफ में, तो आपका पार्टनर आपके पास आते हुए दिखाई दे रहा है। आपको अगर ब्लॉक किया होगा तो आपके ब्लॉक खोलते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहा है। आपसे खुद होके कम्युनिकेशन करेगा, खुद होके बात करेगा, पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा एटीट्यूड रहेगा, थोड़ा सा ईगो भी रहेगा, पर कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन जो है स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारे लिए एंजल्स मैसेज क्या है आपके लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए, कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपके लिए। तो ये हो गए कार्ड शफल एंड आपके लिए क्या कहना चाहते हैं एंजल्स मैसेज। तो एंजल्स मैसेज आपको मिलते रहेगा, कुछ ना कुछ कलर्स या फिर कुछ ना कुछ आपको उनकी इन्फॉर्मेशन नज़र आती हुई दिखाई देगी, जिस वजह से आप बोलते ना इन टाइम आपको एंजल्स का गाइडेंस मिलेगा। मेडिटेशन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, क्योंकि जिस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी में रहेंगे। मेडिटेशन के बगैर आप स्टेबिलिटी नहीं हो सकते। मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं, ये भी एक मेडिटेशन होता है, मंत्र चैंटिंग से भी मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं या फिर मेडिटेशन कर सकते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और काफ़ी ज़्यादा आपको मदद मिलेगी वृश्चिक राशि वालों के लिए। थैंक यू। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर पढ़ती हूँ। एंड मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो प्लीज़ दबाइएगा, आपको जो भी मेरी नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल जाएंगी, जो आप मिस नहीं करेंगे सारे राशिफल। तो बहुत ही जल्द न्यू रीडिंग्स लेके आ रही हूँ जो आपके सवाल आते हैं, जैसे कि आपके लव पार्टनर के लिए, आपके थर्ड रिलेशनशिप आगे बढ़ने के लिए या फिर जिनके डिवोर्स हो रहे हैं उनके लिए, एंड जैसे कि आपके करियर रिगार्डिंग्स एंड जॉब रिगार्डिंग्स, इनके लिए स्पेशल स्पेशल रीडिंग्स होगी पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3 के हिसाब से। जो भी आप देखेंगे, जो भी आप नंबर चूज करेंगे उस रिगार्डिंग्स आपकी रीडिंग्स रहेगी। तो ये भी रीडिंग जो है बहुत ही जल्दी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगी। वेलकम डिवाइन चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आगे चल के और ज़्यादा रीडिंग जो है बहुत ही जल्दी जो है आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। एंजल्स रीडिंग्स काफ़ी लोगों को पसंद आ रही है, तो एंजल्स के लिए मैसेज आपके लिए जो चाहते, तो इसके लिए मैं स्पेशल एक मंथ के लिए जो है आपके लिए एंजल्स मैसेज निकाल दूंगी, जिससे कि आप पाइल 1, पाइल 2 या पाइल 3 के हिसाब से, आप कार्ड के हिसाब से अपने एंजल्स रीडिंग्स देख सकते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स होती है, हर किसी को रेजुलेटेड नहीं होती है। तो आपको पाइल 1, पाइल 2 या पाइल 3 के हिसाब से ही आपकी रीडिंग्स होती रहेंगी और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रीडिंग्स आपके लिए आती रहेंगी। तो मैं ऐसे ही उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे रीडिंग्स पसंद आती रहे। मैं आपसे ऐसे ही मिलती रहूँ, नेक्स्ट एपिसोड में हम ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।